हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए अंडे और ब्रेड से बनने वाला एक बिल्कुल नया और बहुत ही टेस्टी बनने वाला नाश्ता, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार नया नाश्ता बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में 3 अंडे तोड़ कर ले लिए हैं, और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट, नमक। तो नमक के साथ अंडों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने गैस पर एक नॉनस्टिक पैन रख दिया है गरम करने के लिए। तो अंडे हमने फेंट लिए हैं और इधर हमारा पैन भी गरम हो चुका है। तो पैन को हम 1 टीस्पून ऑयल, बटर या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम फेंटे हुए अंडों को पैन पर डाल देते हैं। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो अंडों को हमने फैला करके पैन पर डाल दिया। अब हमें लेनी है 2 ब्रेड स्लाइसेस। तो मैं यहाँ पर वाइट ब्रेड्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इनकी जगह मल्टी ग्रेन या फिर ब्राउन ब्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरह से ब्रेड स्लाइसेस को रखने के बाद हमें इसके ऊपर रखने हैं कुछ प्याज की स्लाइसेस, या तो प्याज के इस तरह रिंग्स रख दीजिए या फिर स्लाइसेस कट करके भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर भी रख लेते हैं यहाँ पे। प्याज और टमाटर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको सब्जियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इस रेसिपी को बिना प्याज टमाटर के भी बना सकते हैं, या फिर इसमें और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि पत्ता गोभी या शिमला मिर्च। और अब हम दोनों ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर थोड़ी सी धनिया पुदीना की चटनी को इस तरह फैला करके डाल देंगे। मेरे पास घर में धनिया की चटनी बनी हुई रखी थी, अगर आपके पास नहीं बनी हुई है तो आप यहाँ पर इस चटनी की जगह टमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि चटनी पहले से ही बहुत स्पाइसी है। अगर आप टमेटो केचप या फिर मेयोनीज यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी हरे मिर्च या फिर रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दीजिएगा हल्का सा स्पाइसी टेस्ट लाने के लिए। और नीचे जो हमारा एग का मिक्सचर है, ऑमलेट का मिक्सचर है, वो आप देख सकते हैं नीचे से सेट होने लगा है लेकिन ऊपर से अभी बहुत अच्छे से नहीं पका है। तो इसी स्टेज पर हमको इस तरह ब्रेड की स्लाइसेस को अंडे से इस तरह रैप कर देना है। और अब दूसरी तरफ से हम एक ब्रेड स्लाइस को दूसरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर कवर कर देंगे। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है इस रेसिपी में। और बस अब हम इस सैंडविच को हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। बिल्कुल नए तरीके का एग सैंडविच आप इसको कह सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास इससे बेहतर कोई नाम है इस रेसिपी के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। तो दोनों तरफ से हमने अच्छे से कुक कर लिया है सैंडविच को, आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का गोल्डन कलर हो गया है, क्रिस्पी भी हो गया है। तो चलिए अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम इसको 4 छोटे छोटे ट्रायंगल पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर हाँ इस तरह से कट करके सर्व करेंगे तो इसको खाने में भी मज़ा आएगा और सर्व करने में ये बहुत सुंदर भी लगेगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप अच्छी लगी होगी, और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो और भी अच्छी लगेगी। तो जल्दी से इसको ट्राई कीजिए अपने घर में। और ऐसी और इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे चीना इन द किचन में एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ।